अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर्स, मैं आपका दोस्त खावत अली फिज़ा मनाहल के यूट्यूब चैनल से। आज हम आपके लिए फिज़ा मनाहल के न्यू लग्जरी आर्टिकल लेके आए हैं जो कि लीलन के ऊपर हैं, और ये 8 डिज़ाइनों का वॉल्यूम है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू डिज़ाइन है। और ये फैंसी आर्टिकल हैं सारे, टोटल के टोटल जो 8 आर्टिकल हैं जो फैंसी हैं, यानी कि हैंडमेड का काम किया गया है इनके ऊपर, पैचेज वगैरह हैं, सतारी वर्क किया गया है इसके ऊपर, और ये फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड हैं। तो जो इसमें हम टोटल 8 यानी कि आर्टिकल हैं, इस वॉल्यूम में हम आपको 4 इस वीडियो में चेक करवाएंगे, और जबकि जो 4 बाकी आर्टिकल हैं वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में चेक करवाते हैं। तो हम आपको आज अपने जो आज के 4 जो आर्टिकल हैं वो भी चेक करवाते हैं। ये हैं हमारे आज के 4 आर्टिकल जो कि हम आपको चेक करवाने लगे हैं। तो इसमें 4 कलर हैं, एक ये आरशी कलर है, ये दूसरा ब्लैक कलर है इसमें, तीसरा ये डार्क पिस्ता कलर है, और चौथा ये गोल्डन कलर है। तो हम आपको अपना पहला आर्टिकल चेक करवाते हैं अभी, जो कि आरशी कलर में है। ये देखें ज़रा, ये आशी कलर का जो है वो आर्टिकल है फिज़ा मनाहिल का। ये देखें ज़रा, जो फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, सीक्वेंस का काम किया गया है इसके ऊपर सारा, जो फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। जो देखें ज़रा, जो फ्रंट आ गया इसका, इसके साथ ही ये इसका बैक साइड है, बैक साइड टोटल जो है वो उसकी बूटी बनी हुई है बैक के साथ सारे, ये वाला जो इसका बैक साइड है, उसके साथ ही ये इसके बाजू हैं। ये देखें ज़रा, जो फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बाजू में सारे, इसकी भी एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत ही नफीस और आला किस्म की गई है इसकी भी। ये बाजू आ गए, इसका जो ट्रोज़र है वो सेम लगा हुआ है। ये देखे जाए, इसका जो ट्रोज़र है वो सेम क्वालिटी का लगा हुआ है, यानी कि बहुत अच्छी और लेटेस्ट क्वालिटी जो है वो लगी हुई है। तो इसके साथ ही ये इसका गला आ गया जो कि हैंडमेड का बना हुआ है। ये देखने का गले की कढ़ाई और उसका जो काम किया गया है, वर्क किया गया वो चेक करें ज़रा, बहुत ही आउट क्लास और नफीस किस्म का किया गया है। ये इसका गला आ गया हैंडमेड का, और इसके साथ ही जो इसके पैचेज हैं, जो दामन का पैच है इसका, ये चेक करें ज़रा, ये इसका दामन का पैच आ गया। उसके साथ ही जो इसका दुपट्टा है वो सेम ही लगा हुआ है आशी कलर का ही, और कट वर्क किया गया दुपट्टा का, और बैम्बर का दुपट्टा है जो प्योर बैम्बर लगी हुई है। इसकी कट वर्क चेक करें ज़रा, बहुत ही आउट क्लास और किस्म की कढ़ाई की गई है इसके ऊपर भी। जो देखें ज़रा, जो पूरा ढाई गज का दुपट्टा है जो कि दोनों साइडों पे कट वर्क किया गया है। तो सेकंड आर्टिकल जो है हमारा वो ब्लैक कलर में है। ये देखें ज़रा, ये इसका फ्रंट साइड है सारा, इसके साथ धागे का और सतारी का काम किया गया, यानी कि इसके साथ ही इसका जो सेम बैक साइड आ गया बूटी वाला, जान के बैक साइड पे भी धागे का और सतारी का ही काम किया गया है। इसके साथ इसके जो स्लीव्स हैं, जान के इसके जो बाजू हैं वो फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड हैं। जो देखें ज़रा, जो फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बाजू हैं इसके, जो बाजू आ गए, इसके साथ ही इसका भी जो दामन का पैच बना हुआ है और हैंडमेड का गला बना हुआ है। जो देखें ज़रा, जो सारा इसका गला बना हुआ है जिसके ऊपर मोतियों और सतारों का काम किया गया है, और साथ धागे जान के तिल्ला का भी काम किया गया है। इसके साथ इसका जो पैच है जिसके ऊपर यानी कि धागा और तिल्ला दोनों का काम किया हुआ है, और जो इसका प्लेन ट्रोज़र है सेम, और जो इसका दुपट्टा है जो कि सेम ही है, इसका दुपट्टा ब्लैक कलर का दुपट्टा लगा हुआ है साथ, और उसके दोनों साइडों पे कट वर्क किया गया है। जो देखा जाए इसकी कढ़ाई चेक करें, बहुत ही नफास के साथ की गई है जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है, दोनों साइडों पर जो कट वर्क किया गया है जो बहुत ही नफीस और लेटेस्ट है। जो पिस्ता कलर है थोड़ा सा डार्क कलर है पिस्ता कलर, इसके साथ ही ये इसका भी फ्रंट साइड है। ये देखें ज़रा, ये इसका सारा फ्रंट साइड है, इसके ऊपर ज़्यादा धागे का काम किया गया है, यानी कि धागे का काम है, और हल्का हल्का सा सितारा लगा हुआ है, यानी कि बिल्कुल मामूली सी सितारी का काम है जो है वो किया गया है साथ। तो इसके साथ ही इसका जो आ गया बैक साइड जो कि बूटी बनी हुई है बैक साइड पर, और उसके साथ ही इसके जो स्लीव्स हैं ये चेक करें ज़रा, जो बाजू हैं इसके और फुल एम्ब्रॉयडर्ड हैं हैवी। तो इसका ये वाला जो है साथ ही इसके पैचेस आ गए हैं जो कि हैंडमेड का गला है ये वाला, ये चेक करें ज़रा, ये काम गले का काम चेक करें, बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही नफीस किस्म का काम किया गया है इसके ऊपर भी। उसके साथ ही इसका ये दामन का पैच है, तो इसके दो पैच हैं दामन के, एक ये पहले वाला पैच था और उसके बाद एक ये दूसरा पैच है जो कि धागे के साथ ज़्यादा कढ़ाई की गई है इसके पैचों के ऊपर भी। तो जो इसका दूसरा पैच आ गया, तो इसका ट्रोज़र जो है वो सेम ही है, तो और क्वालिटी जो है कपड़े की वो बहुत ही आउट क्लास लगी हुई है, चेक करें ज़रा, बहुत ही ये बोर वाला स्टफ लगा हुआ है कपड़े का जो ट्रोज़र का है। तो इसके साथ ही इसका जो दुपट्टा है और ये भी सेम कलर में ही है, जो देखें ज़रा, इसकी कढ़ाई भी जो है वो बहुत ही नफीस किस्म की गई है, और सारा जो दोनों साइडों पे बॉर्डर बना हुआ है दुपट्टे का और दरमियान में बूटी बनी हुई है,
ये देखें ये बहुत ही नफीस और लेटेस्ट चीज़ है ये वाली भी, और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है ये वाले। जो चौथा आर्टिकल है वो चेक करवाते हैं, जो कि गोल्डन कलर में है। ये देखें ज़रा ये गोल्डन कलर, जो कि मार्केट में आजकल बहुत ही इन है और बहुत ज़्यादा चल रहा है ये वाला कलर जो है। ये देखें ज़रा जो इसका सारा फ्रंट आ गया है, जो कि हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है सीक्वन के साथ, यानी कि सितारी का काम किया गया है इसके फ्रंट पे सारे पे। उसके साथ ही इसी के भी आपको मैं जो पैचेस वगैरह दिखाता हूँ, जो इसके बाजू आ गए हैं, ये देखें इसके बाजू जो हैं वो बहुत ही नफीस किस्म की कढ़ाई की गई है इसके बाजुओं के ऊपर भी, जो इसके बाजू आ गए हैं। उसके साथ जो इसका ट्रोज़र है वो सेम ही लगा हुआ है, वही बोर वाला ट्रोज़र लगा हुआ है। कपड़े की जो क्वालिटी है बहुत ही आउट क्लास और लेटेस्ट चीज़ है, जो कपड़ा यानी कि बहुत ही आउट क्लास किस्म का लगा हुआ है इसके ट्रोज़र को। तो ये इसका टोटल बैक साइड है, ये देखें ज़रा, और जिसके साथ बैक पे बूटी बनी हुई है सारे पे। और ये इसका हैंडमेड का गला आ गया है आपके सामने, ये चेक करें ज़रा, जो बहुत ही नफीस किस्म का और आला क्वालिटी का जो है वो काम किया गया है इसके गले के ऊपर। तो इसके साथ ही इसका जो पैच है, ये देखें ये दामन का पैच है और फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है ये वाला पैच जो है। और इसका दुपट्टा जो है वो भी सेम ही है, यानी कि गोल्डन कलर का सूट है और गोल्डन कलर का ही दुपट्टा लगा हुआ है इसके साथ। ये देखें ज़रा, जो बहुत ही नफीस किस्म की कढ़ाई की गई है इसके दोनों बॉर्डरों पे भी, कट वर्क किया गया दोनों साइडों पे। ये देखें ज़रा, जो फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट है और इसका जो दुपट्टा है वो भी दोनों साइडों पे कट वर्क किया गया, और बिल्कुल दुपट्टा जो है रेडी टू वेयर है, यानी कि इसके ऊपर आपको मज़ीद लैस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है।